हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ आसमा। आप देख रहे हो केजी स्टडी। आज का ग्रुप डी का पेपर जो था उसका फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन आया है, तो आइए जल्दी से देख लीजिए किस टाइप का क्वेश्चन था। मैथ्स का पेपर जो था देखिए मॉडरेट लेवल का आया है, जिसका गुड अटेम्प्ट गया है 12 से 17, और जो रीजनिंग था इजी पूछा था 22 से 26 अटेम्प्ट गया है इसका। जनरल साइंस से इजी जो मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन पूछा गया है, गुड अटेम्प्ट था 14 से 16, और करंट अफेयर से मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन पूछा गया है 11 से 14। ठीक है, ओवरऑल जो था पेपर एकदम मॉडरेट लेवल का था, इसका गुड अटेम्प्ट ओवरऑल पेपर का था 66 to 73। ठीक है, तो 73 तक अटेम्प्ट गया। देखिए मैथ्स का जो जो टॉपिक से आया था SICI जो है सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट, उसमें से 3 क्वेश्चन आया हुआ था मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन, और पाइप सिस्टम से नहीं आया था और प्रॉफिट लॉस से नहीं आया। एजेस से 2 क्वेश्चन पूछा गया है जो कि इजी लेवल का है। टाइम एंड वर्क से 3 क्वेश्चन डिफिकल्ट था, और जियोमेट्री से सर्कल रिलेटेड क्वेश्चन था 1 क्वेश्चन जो कि इजी इजी टू मॉडरेट था, और टाइम स्पीड डिस्टेंस से 4 क्वेश्चन पूछा गया है जो इजी लेवल का था, और एवरेज से 3 क्वेश्चन इजी था। ट्रिग्नोमेट्री से 3 से 4 क्वेश्चन पूछा गया है जो कि इजी टू मॉडरेट लेवल का था। परसेंटेज से 3 क्वेश्चन पूछा गया है। DI से 2 क्वेश्चन, DI कौन सा था, पाई चार्ट था, उसमें से 2 क्वेश्चन पूछा गया है। अलजेब्रा से 3 से 4 क्वेश्चन पूछा गया है। तो टोटल पेपर मैथ्स का जो था मॉडरेट। अब देखिए रीजनिंग, रीजनिंग का जो सिलॉग से आया था 4 क्वेश्चन एकदम इजी पूछा गया था। वेन डायग्राम से 2 से 3 क्वेश्चन आया है, इजी था। मैथमेटिकल कैलकुलेशन जो 3 क्वेश्चन पूछा गया था, इजी है। मिरर इमेज से क्वेश्चन नहीं आया, और ऑड वन आउट से 6 क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए सारा सिर्फ में ऑड वन आउट जो है अब तक 4 से 5 क्वेश्चन आ रहा था इसका, मतलब आज का जो पेपर था इसमें 6 क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो ऑड वन आउट अच्छे से देख लीजिए। कोडिंग डिकोडिंग से 2 से 3 क्वेश्चन पूछा गया है जो कि इजी टू मॉडरेट लेवल का था। एनालॉजी से 2 क्वेश्चन पूछा गया है। सीरीज से 3 क्वेश्चन। डायरेक्शन जो है उसमें से 3 क्वेश्चन जो कि इजी लेवल का है। स्टेटमेंट कॉन्क्लूजन से 3 से 4 क्वेश्चन पूछा गया है, उसका लेवल है इजी टू मॉडरेट। ठीक है, काउंटिंग फिगर से 1 क्वेश्चन पूछा गया था, इजी लेवल का है, और कैलेंडर से 2 ही क्वेश्चन पूछा गया है जो इजी लेवल का है। तो ओवरऑल पेपर जो था इजी था रीजनिंग का। और GS देखिए, GS से फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी जो है, फिजिक्स से आपका क्वेश्चन आया था 9 से 11, केमिस्ट्री से 7 से 9। फिजिक्स का पेपर इजी था, केमिस्ट्री का मॉडरेट था क्वेश्चन, और बायोलॉजी जो है 8 से 11 क्वेश्चन आया था, एकदम इजी था। तो ओवरऑल जनरल इजी टू मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए हम कुछ क्वेश्चन लेके आए हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, चीफ मिनिस्टर ऑफ तेलंगाना, ठीक है, इन 2017 में चीफ मिनिस्टर कौन थे तेलंगाना के चंद्रशेखर राव। ठीक है, सेंट्रल हेल्थ मिनिस्टर ऑफ इंडिया, सेंट्रल हेल्थ मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इंडिया के सेंट्रल हेल्थ मिनिस्टर कौन है, जगत प्रकाश नड्डा। सेंट्रल स्पोर्ट्स मिनिस्टर कौन है, राज्यवर्धन सिंह राठौर। मेल क्रोमोसोम, ठीक है, ऑप्शन था उसमें, उसमें से मेल क्रोमोसोम कौन सा है बोलना था, XY है मेल क्रोमोसोम। व्हिच स्टेट स्टार्टेड हेलीकॉप्टर टैक्सी, ये रिसेंट था, ये आपको पता ही होगा। कौन सा स्टेट स्टार्ट किए थे हेलीकॉप्टर टैक्सी इंडिया में, बेंगलुरु। इंटरनेशनल वुमेन डे कब था, कब है, 8 मार्च को है। डे डेट से एक क्वेश्चन आया है, वेयर इज विक्टोरिया मेमोरियल, विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ पे, कोलकाता में है। टू क्वेश्चन फ्रॉम पाइप एंड सिस्टम, टू क्वेश्चन फ्रॉम टाइम एंड डिस्टेंस। ठीक है, देख लीजिए इसमें हम बता दे रहे हैं, सुंदरबन इज फेमस फॉर, सुंदरबन किस चीज के लिए फेमस है, बंगाल टाइगर और मैंग्रोव फॉरेस्ट। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया 2017 में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है, दीपक मिश्रा। अब देखिए ब्लैक सॉइल से एक क्वेश्चन आया था, 1 क्वेश्चन रिलेटेड टू ब्लैक सॉइल। व्हिच गैस इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ वनस्पति ऑयल, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन गैस यूज होता है। न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन आया था फिजिक्स से, जो कि कौन सा फॉर्मूला है, F=ma, force=, mass×acceleration, इसमें से एक न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन था। तो फिजिक्स का देख लीजिएगा, न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन भी पूछा जा रहा है। 5 क्वेश्चन रिलेटेड टू पीरियोडिक टेबल, देखिए पीरियोडिक टेबल का हम काली डाले थे,
वो देख लीजिएगा अच्छे से, इसी तरीके से बताए हैं। तो पीरियडिक टेबल से आज का देखिए 5 क्वेश्चन पूछा गया है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, व्हाट वुड वी ऑब्जर्व इफ ए स्ट्रिप ऑफ जिंक वाज डिप्ड इन अ सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट CuSO4 जो है उसका जो सॉल्यूशन में अगर हम जिंक का स्ट्रिप डालेंगे तो क्या होगा, व्हाट वुड वी ऑब्जर्व, क्या देखेंगे। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन विल टेक प्लेस, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा एज जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, क्योंकि जिंक मोर रिएक्टिव देन कॉपर, कॉपर से जिंक मोर रिएक्टिव है, ठीक है। जिंक विल डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम इट्स सल्फेट सॉल्यूशन, जिंक क्या करेगा डिस्प्लेस कर लेगा कॉपर, कॉपर को फ्रॉम इट्स सल्फेट सॉल्यूशन CuSO4 से Cu को डिस्प्लेस कर लेगा एंड द सॉल्यूशन विल बिकम कलरलेस, तब CuSO4 क्या हो जाएगा कलरलेस हो जाएगा, एज इट नाउ जिंक सल्फेट सॉल्यूशन एंड कॉपर, देन वो जो सॉल्यूशन है वो क्या बन जाएगा ZnSO4 हो जाएगा, जिंक सल्फेट एंड कॉपर Cu हो जाएगा। अब देखिए यूनिट ऑफ फोर्स क्या है, न्यूटन है, और अभी इससे पहले जो क्वेश्चन बताया जिंक Zn प्लस जिंक का स्ट्रिप डाले थे हम CuSO4 में कॉपर सल्फेट में, तो क्या होगा इस टाइप का क्वेश्चन था। तो इसका देखिए इक्वेशन Zn प्लस CuSO4 क्या हो जाएगा ZnSO4 प्लस Cu। वन क्वेश्चन रिलेटेड टू हैलोजन ग्रुप, हैलोजन ग्रुप से एक क्वेश्चन आया था, और आपका इस टाइप का क्वेश्चन था पीरियोडिक टेबल में कौन सा ग्रुप में बिलोंग करते हैं मैग्नीशियम एल्यूमिनियम, ठीक है। और ऐसा यूनिट ऑफ एनर्जी पूछा गया है जो कि जूल है, और हॉकी वर्ल्ड कप से एक क्वेश्चन आया था। अब देखिए जीएसटी काउंसिल मीटिंग वाज हेल्ड, और जीएसटी काउंसिल मीटिंग कहाँ पे कब हो रहा है, 4 अगस्त इन न्यू दिल्ली में हो रहा है, कब, अगस्त को। वन क्वेश्चन फ्रॉम अर्जुना अवार्ड, अर्जुना अवार्ड रिलेटेड एक क्वेश्चन था, तो आप हम एक वीडियो डाले हैं उसमें देख लीजिएगा, नेशनल अवार्ड नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड दिए है उसमें अर्जुना अवार्ड है, तो आप ये अवार्ड भी इम्पोर्टेंट है देख लीजिए, सारा अवार्ड देख लीजिए। एक क्वेश्चन आ रहा है, नेम ऑफ द यंगेस्ट इंडियन गर्ल टू क्लाइम एवरेस्ट, यंगेस्ट इंडियन गर्ल कौन है जो एवरेस्ट क्लाइम किए थे, कौन, शिवंगी पाठक यंगेस्ट है। हु गॉट 64 नेशनल फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर, कौन थे, अक्षय कुमार। Which female cricketer was at the second place in ICC ranking? 2017 का ICC ranking में second place पे कौन है, मिथाली राज। और तीन क्वेश्चन आए थे BODMAS से, ठीक है। वन क्वेश्चन फ्रॉम मेन माइंड एंड मोड, मैथ से था। अब देखिए which न्यूज चैनल got the best चैनल अवार्ड इन 2017 में कौन सा न्यूज चैनल बेस्ट चैनल अवार्ड मिला है, आज तक चैनल जो है उसको बेस्ट चैनल मिला है अवार्ड। चेयरमैन ऑफ जीएसटी काउंसिल, जीएसटी काउंसिल के चेयरमैन कौन है, अरुण जेटली जो कि फाइनेंस मिनिस्टर है। और देखिए ब्रांड एम्बेसडर ऑफ फिजी फ्रॉम इंडिया, ब्रांड एम्बेसडर कौन है, एलियाना डिक्रूज, ब्रांड एम्बेसडर ऑफ फिजी फ्रॉम इंडिया। हु गॉट द 64 नेशनल फिल्म अवार्ड, अक्षय कुमार। बेस्ट एक्टर ऑफ आईफा 2017 में बेस्ट एक्टर आईफा अवार्ड किसको मिला है, शाहिद कपूर को मिला है, ठीक है। तो इस टाइप का, थैंक यू फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, हम नेक्स्ट वीडियो फिर लेंगे।